देखो 7 तारीख को टाटा मोटर्स कर्व इस कूपे स्टाइल एसयूवी कार को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, जिसकी प्लेसमेंट टाटा नेक्सन के ऊपर रहेगी। लेकिन दोनों ही कारों की कीमत के अंदर आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो टाटा कर्व के लिए वेट करें या फिर टाटा नेक्सन को खरीद लें। तो इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, टाटा नेक्सन के अंदर कुछ पैरामीटर्स कुछ फीचर्स ऐसे है जो कि आपको टाटा कर्व के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, वो टाटा कर्व का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाटा कर्व के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि टाटा नेक्सन से मिसिंग है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें पॉजिटिव टाटा नेक्सन के अंदर देखने को मिल जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव चीजें आपको टाटा कर्व के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर ये डिसाइड करेंगे आपको टाटा कर्व को खरीदना चाहिए या फिर आपको टाटा नेक्सन के साथ जाना चाहिए। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको कहीं पर भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। देखो सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। टाटा कर्व की लेंथ 4308 mm की रखी गई है, वही दूसरी तरफ टाटा नेक्सन की लेंथ 3995 mm रखी गई है। टाटा कर्व की लेंथ 313 mm से ज्यादा है और लेंथ का फायदा आपको इंटीरियर के स्पेसिंग के तौर पर देखने को मिल जाएगा। टाटा कर्व की विड्थ है 1810 mm की, वही नेक्सन की विड्थ है 1804 mm की। यहाँ पर भी टाटा कर्व बाजी मार लेती है, यहाँ पर आपको 6 mm का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। टाटा कर्व की हाइट है 1630 mm की, वही नेक्सन की हाइट है 1620 mm की। टाटा कर्व यहाँ पर 10 mm ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइट के तौर पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाटा कर्व के अंदर 2560 mm का व्हील बेस ऑफर किया है और टाटा नेक्सन के अंदर 2498 mm का व्हील बेस दिया गया है, तो यहाँ पर टाटा कर्व के अंदर लगभग 62 mm आपको व्हील बेस ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसका इम्पैक्ट आपको स्पेसिंग के तौर पर कम्फर्ट के तौर पर देखने को मिल जाएगा। लेग रूम आपको थोड़ी सी अच्छी खासी मिल सकती है टाटा कर्व के अंदर। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो टाटा कर्व के अंदर लगभग 500 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है, वही दूसरी तरफ टाटा नेक्सन के साथ 382 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया है। यहाँ पर भी टाटा कर्व बाजी मार लेती है, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 500 लीटर का बूट स्पेस है टाटा कर्व के अंदर वो आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाएगा, और टाटा नेक्सन के अंदर जो 382 लीटर का बूट स्पेस है वो आपको वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो टाटा कर्व का जो बूट रहने वाला है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने वाला है, वहां पर आपको सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगी या फिर आप ज्यादा सामान भी कैरी कर पाओगे वहां पर। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको टाटा कर्व के साथ देखने को मिल जाएगा। टाटा कर्व के साथ 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, वही नेक्सन के अंदर 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आपको 8 mm का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टाटा नेक्सन सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के तौर पर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, इसके अंदर आपको केवल 8 mm से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन लेंथ वाइज वेट वाइज हाइट वाइज व्हील बेस के तौर पर और बूट स्पेस के तौर पर टाटा कर्व बाजी मार लेती है। इन सभी चीजों का इम्पैक्ट आपको स्पेसिंग के तौर पर देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो टाटा नेक्सन और कर्व के अंदर पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, दोनों ही कारों के साथ आपको डीजल इंजन मिल जाएगा और दोनों ही कारों के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको दोनों ही कारों के साथ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, टाटा कर्व के अंदर और नेक्सन के अंदर सेम डीजल इंजन और सेम पेट्रोल इंजन ऑफर किया है कि नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा, दोनों ही कारों के अंदर आपको अलग सा पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा और अलग सा डीजल इंजन का ऑप्शन मिलने वाला है। टाटा कर्व के अंदर आपको अपडेटेड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। ये इंजन 125 PS की पावर आउटपुट और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। वही टाटा नेक्सन के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज रिवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया है, जो कि आपको मोस्टली टाटा की कारों के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको टाटा कर्व के अंदर थोड़ा सा पावरफुल इंजन मिलने वाला है, क्योंकि टाटा कर्व का मुकाबला होने वाला है क्रेटा सेल्टोस के साथ, उस सेगमेंट के अंदर ये आ रही है। इसी वजह से आपको टाटा कर्व के अंदर पावरफुल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि वहां पर आपको 4 सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन नेक्सन के अंदर आपको 3 सिलेंडर का ऑप्शन मिलने वाला है। 3 सिलेंडर को लेकर बहुत सारे कस्टमर्स ने बहुत सारे ओनर्स ने यहां पर कंप्लेन भी करी है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको 3 सिलेंडर वाला इंजन नहीं लेना है, आपको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको टाटा कर्व के पेट्रोल इंजन के बारे में सोचना चाहिए। वहां पर आपको 125 PS की पावर आउटपुट और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स ने कर्व के अंदर नया 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया है। ये इंजन ऑटो एक्सपो में शोकेस हो चुका है। इस इंजन के साथ टाटा कर्व 115 PS की पावर आउटपुट और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन टाटा नेक्सन के अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज रिवोट्रॉन डीजल इंजन मिल जाएगा। यहां पर मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं, टाटा कर्व के अंदर आपको अपडेटेड और पावरफुल इंजन मिलेगा एज कम्पेयर टू
टाटा नेक्सॉन, वही टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको पुराना ही पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जिन लोगों को गाड़ी चलाने के मजे चाहिए, नया इंजन चाहिए, फोर सिलेंडर के मजे लेने हैं टाटा की कारों के अंदर, वो लोग आंख बंद कर टाटा कार के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि टाटा कारों के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, डीसीडी एएमटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाएगा। वही टाटा नेक्सॉन के अंदर 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डीसीए का ऑप्शन दिया गया है। तो ये चीजें आपको इंजन के तौर पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्सटीरियर लुक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अब देखो, दोनों ही कारों का जो फ्रंट का फीचर है वहां पर आपको कुछ आइडेंटिकल चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हेडलैम्प की प्लेसमेंट या फिर हेडलैम्प का डिजाइन वो आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगा। जो रेडिएटर के ग्रिल्स है उसका भी डिजाइन आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगा दोनों ही कारों के साथ। लेकिन जो ऊपर वाले ग्रिल्स है वो टाटा कार के अंदर आपको थोड़े से अलग मिलेंगे, वही नेक्सॉन के अंदर थोड़े से अलग डिजाइन के ऑफर करे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दोनों ही कारों के फ्रंट फीचर में देखने को मिल जाएगा। वही टाटा कर्व के बोनेट के नीचे आपको काफी बड़ी एलईडी डीआरएल का बार देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये चीज आपको टाटा नेक्सॉन के साथ देखने को नहीं मिलेगी। टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल मॉडल हो गया, इसके अलावा डीजल मॉडल हो गया, उनके साथ ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको टाटा नेक्सॉन के सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल के अंदर बोनेट के नीचे एलईडी बार देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपके सामने है। हालांकि टाटा कर्व के पेट्रोल मॉडल के अंदर भी ये चीज ऑफर करी है, डीजल इंजन के साथ भी ये चीज आपको मिल जाएगी, और इसके इलेक्ट्रिक मॉडल के अंदर भी टाटा मोटर्स ने ये चीज ऑफर करी है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको टाटा नेक्सॉन और टाटा कर्व के साथ देखने को मिल जाएगा। नेक्सॉन के अंदर अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको टाटा नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक मॉडल खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल मॉडल के अंदर यहाँ पर ये चीजें ऑफर नहीं करी है। तो फ्रंट फीचर में आपको ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा नेक्सॉन के और कर्व में। हालांकि दोनों ही कारों के जो फ्रंट के बंपर्स है वो थोड़े से स्पोर्टियर है और वहां पर आपको सिल्वर स्किड प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अलॉय व्हील की बात करते हैं, यहाँ पर आपको दोनों ही कारों के साथ न्यू डिजाइन वाले अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे कर्व का अलॉय व्हील का डिजाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा है, नेक्सॉन का भी अच्छा खासा है। व्हील आर्च दोनों ही आपको रेक्टेंगल शेप के साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो टाटा कर्व के साथ व्हील आर्च ऑफर कर रहे वहां पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, तो वो दिखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है। साइड क्लैडिंग भी आप देख सकते हैं, वही टाटा नेक्सॉन के अंदर साइड क्लैडिंग छोटी ऑफर करी है, और इसके जो व्हील आर्चेस है वहां पर आपको टिपिकल ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बड़ा डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। टाटा कर्व के साथ आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे जो कि लग्जरी कारों के अंदर ऑफर करे जाते हैं, लेकिन टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको टिपिकल डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टाटा कर्व का जो स्लोपिंग रूफ लाइन है वो आपको एक कूपे स्टाइल एसयूवी कार जैसा ही देखने को मिल जाएगा, वही टाटा नेक्सॉन का स्लोपिंग रूफ लाइन थोड़ा सा एसयूवी कार का फील आपको देने वाला है। टाटा नेक्सॉन के साथ रूफ रेल्स ऑफर करी है, लेकिन ये चीज टाटा कर्व से मिसिंग है। शायद डिजाइन पैटर्न को फॉलो करने के लिए टाटा मोटर्स ने कर्व के अंदर कोई भी रूफ रेल्स को ऑप्शन नहीं दिया है। दोनों ही कारों के साथ टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा ORBM के ऊपर, जो कि ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ आ जाएंगे। तो साइड प्रोफाइल के तौर पर आपको ये सभी एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोनों ही कारों के साथ साइड प्रोफाइल में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं, देखो दोनों ही कारों के रियर में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ पर नेक्सॉन का जो एलईडी टेल लाइट है वो वाई शेप के साथ खत्म हो जाता है, उसका जो डिजाइन है वो वाई शेप के साथ एंड हो जाता है। वही दूसरी तरफ टाटा कर्व का एलईडी टेल लाइट का डिजाइन एक सिंपल से लाइन के साथ खत्म हो जाता है। तो ये एक आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आपको दोनों ही कारों के रियर में शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्पॉइलर ऑफर किया है, रियर के बंपर्स आपको थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे, बंपर का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, कर्व के साइड प्रोफाइल में इसके अलावा रियर के बंपर्स को यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देने की कोशिश करी गई है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपके सामने है। ओवरऑल दोनों ही कारों का लुक अच्छा खासा है। अगर आपको एक न्यू डिजाइन पैटर्न वाली कार चाहिए तो उस सिनारियों में आप टाटा कर्व के बारे में सोच सकते हैं, और जिन लोगों को टाटा नेक्सॉन का लुक काफी ज्यादा पसंद है वो टाटा नेक्सॉन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये चीजें आपको एक्सटीरियर के तौर पर देखने को मिल जाएंगी। वही अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो देखो यहाँ पर टाटा कर्व के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसका इंटीरियर आपको टाटा नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। टाटा मोटर्स ने इस कार के अंदर हैरियर जैसा ही स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया है, जो कि अच्छी खासी बात है। इसका डैशबोर्ड आपको नेक्सॉन जैसा ही देखने को मिल जाएगा, कुछ अलग चीजें ऑफर करी है। इस कार के साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा, ये चीजें कन्फर्म है। वॉइस असिस्टेड सनरूफ ये फीचर दिया गया है विद नेचुरल लाइट कंट्रोल, तो ये बढ़िया फीचर आपको कर्व के साथ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं कॉमन फीचर आपको बता देता हूँ, यानी ये फीचर आपको नेक्सॉन के अंदर भी मिल जाएंगे और टाटा कर्व के अंदर भी मिल जाएंगे। देखो दोनों ही कारों के साथ आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि अच्छी खासी बात है। 12.3 इंचेस का आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम मिल जाएगा ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर, नीचे वाले वेरिएंट के अंदर आपको छोटा सा टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम मिल जाएगा। ड्राइवर के लिए
10.25 इंचेस का आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा दोनों ही कारों के साथ। पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर का भी और को ड्राइवर का भी। वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेदर अपहोल्स्ट्री ऑफर करी है। हालांकि बेस मॉडल के अंदर आपको फैब्रिक के सीट्स मिल जाएंगे तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। आपको AMT ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, टाइप सी चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और जो कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी रहती है उसके तहत दोनों ही कारों के साथ आपको 55 से भी ज्यादा फीचर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट आपको दोनों ही कारों के साथ मिल जाएगा। 6-way एडजस्टेबल आपको ड्राइवर का और को ड्राइवर का सीट मिल जाएगा। फ्रंट में और रियर में दोनों ही कारों के साथ चार्जिंग पोर्ट्स ऑफर कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कारों के साथ आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे, हालांकि डिजाइन एलिमेंट्स आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो देखो दोनों ही कारों को सेफ्टी में 5-star रेटिंग्स मिले हैं, लेकिन रिसेंटली टाटा कारों का भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया जिसके बहुत सारे रिपोर्ट आउट हो चुके हैं, वहां पर टाटा कार ने 5-star रेटिंग्स अचीव करे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कारें काफी ज्यादा सेफ है और बिल्ड क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें आपको टाटा कार के अंदर नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर एडास लेवल 2 का फीचर दिया गया है और इस फीचर के तहत आपको बहुत सारे सेफ्टी के फीचर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको दोनों ही कारों के साथ 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा, ABS के साथ EBD ये फीचर दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलेगा, TPMS आपको मिल जाएगा, ऑल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको मिलेगा और भी बहुत सारे कॉमन फीचर्स यहाँ पर आपको सेफ्टी के तौर पर दोनों ही कारों के साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो टाटा कर्व की जो एक्सपेक्टेड कीमत है वो 10 लाख या फिर 11 लाख से शुरू हो सकती है, क्योंकि ये क्रेटा के सेगमेंट के अंदर आने वाली है। तो इसके बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, टॉप मॉडल 20 लाख के आसपास चला जा सकता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत आपको ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। वही टाटा नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, टाटा कर्व को खरीदे या फिर नेक्सॉन को खरीदे, तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर देता हूँ। देखो टाटा कर्व के जो बेस मॉडल रहेगा उसकी ऑन रोड कीमत 12 या फिर 13 लाख के आसपास अगर चली जाती है तो वो बेस मॉडल आपको मिलने वाला है। वही टाटा नेक्सॉन का आपको बीच वाला वेरिएंट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे, टच स्क्रीन मिल जाएगा, सनरूफ भी मिल सकता है, अलॉय व्हील भी मिल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपके सामने है अगर आप टाटा कर्व का बेस मॉडल खरीदने जाओगे तो वहाँ पर टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर मिल सकते हैं। इसके अलावा टाटा कर्व का सेकेंड बेस या फिर थर्ड बेस मॉडल आप परचेस करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल भी आराम से मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इन दोनों ही कारों के साथ देखने को मिल जाएगा, लेकिन पावरफुल इंजन आपको टाटा कर्व के साथ मिलने वाला है। अगर आपको सच में गाड़ी चलाने के मजे लेने हैं, आपको 4-सिलेंडर वाला मजा लेना है, तो उस सिनारियों में आप टाटा कर्व के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। देखो इसके अनऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं और 7 तारीख को इसकी कीमत भी सामने निकल कर आ जाएगी। तो डिसीजन टोटली आपका रहेगा। अगर आपको एक अलग कार चाहिए, अलग दिखने वाली कार चाहिए, थोड़े से कम फीचर से आपको चल जाएगा, तो उस सिनारियों में आप कर्व के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपका बजट टाइट है और आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो वहां पर नेक्सॉन थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो ये चीजें थी टाटा नेक्सॉन और कर्व के बारे में। इन दोनों में से आप किस कार को खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आने वाले समय में टाटा की नई कार खरीदनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।